हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो R1, R2, R3, R4 यहाँ एक दूसरे के साथ ये एक के पीछे कनेक्टेड है, मतलब इन्होंने एक सीरीज बनाई हुई है, इसलिए इसको हम कहेंगे सीरीज रेजिस्टेंस। यदि मैं इस टर्मिनल को फर्स्ट और यह R1 का सेकेंड टर्मिनल है, सपोज ये R2 का फर्स्ट टर्मिनल और ये R2 का सेकेंड टर्मिनल है, और इसी तरीके से 3 और 4 के कनेक्टेड है, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 टर्मिनल्स। तो यदि R1 का सेकेंड टर्मिनल R2 के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, इट मीन्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली मान लो ये R1 का फर्स्ट टर्मिनल है और ये R1 का सेकेंड टर्मिनल है, ये R2 का फर्स्ट टर्मिनल है, ये R2 का सेकेंड टर्मिनल है। तो यदि फर्स्ट को फर्स्ट से कनेक्ट कर दे और सेकंड को सेकंड से कनेक्ट कर दे, मतलब सारे रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट टर्मिनल हमने साथ में कनेक्ट कर दिए हैं और सारे रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल हमने साथ में कनेक्ट कर दिए, तो ये कहलाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें। तो सपोज कर लो ये R1 रेजिस्टेंस है हमारा, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। ये तीन रेजिस्टेंसेस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। इस पूरी सीरीज के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है, और हमने सपोज कर लिया 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 है, 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, और 3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V3 है। ठीक है, अब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, मतलब यदि यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ तो R1 में भी वही करंट होगा, आगे जाके सिमिलर करंट 2 में भी होगा और सिमिलर करंट 3 में भी होगा। इट मीन्स सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब यदि यहाँ से 5 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो इस 1 में भी 5 होगा, 2 में भी 5 होगा और 3 में भी 5 एम्पेयर्स करंट ही होगा। अब यदि हमें इसकी कैलकुलेशंस लिखनी है, तो ये दिस इज द टोटल वोल्टेज, एंड टोटल वोल्टेज इक्वल टू द ड्रॉप अक्रॉस R1 इज I into R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 इज I into R2, वोल्टेज अक्रॉस R3 इज I into R3। ठीक है, तो इसको V इज इक्वल टू I into R होता है, ये हम जानते हैं। सो हमने क्या करा, V की जगह I into R रख दिया, इज इक्वल टू I into R1 प्लस I into R2 प्लस I into R3। ICI कैंसिल हो गया, तो हमें मिला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो उनका सम होता है। मीन्स सपोज कर लो कि आपके कोई 2 रेजिस्टेंसेस या 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है। सपोज ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा है। इसकी वैल्यू मान लो 1 ओम है तीनों की वैल्यू। तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो एक सिंगल रेजिस्टेंस से, जिसकी की वैल्यू इन तीनों का सम होगी, विच इज इक्वल टू 3 ओम। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज, सीरीज रेजिस्टेंसेस आपस में सिंपली ऐड हो जाते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका। दूसरा, तीनों में करंट सेम होगा। और तीसरा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है और तीनों के रेजिस्टेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सपोज कर लो ये R1, R2, R3 हमने पैरेलल में कनेक्ट करके रखा है और इसके अक्रॉस V वोल्टेज अप्लाई किया है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। ये भी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी अपेयर हो रहा है, इसके भी अक्रॉस अपेयर हो रहा है और इसके भी अक्रॉस अपेयर हो रहा है। मतलब कि
पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि कोई रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा। जो वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उसके पैरेलल में कनेक्टेड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वी वोल्टेज ही होगा, ठीक है। अब लेकिन यदि हम करंट की बात करें तो करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ आई वन करंट होगा, यहाँ आई टू होगा और यहाँ आई थ्री होगा, एंड अगेन करंट वुड बी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेस, ओके। अब इस पॉइंट पर आई करंट आ रहा है और यहाँ पे जाके वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आई कैन राइट आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ओके। हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V बाय आर, और इन तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है, तो इनके अक्रॉस करंट क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस हो जाएगा V बाय आर वन, सेकेंड वाले के अक्रॉस हो जाएगा V बाय आर टू और थर्ड वाले के अक्रॉस हो जाएगा V बाय आर थ्री, ठीक है। तो I इज इक्वल टू हमने लिख दिया V अपॉन आर वन आई वन, V upon R2 I2, V upon R3 I3। यहाँ से V कॉमन निकाल लो, V upon V से V आपका कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। जब आप R निकालना है तो इसका आप रिवर्स कर दोगे तो आपको R equivalent मिल जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 अपॉन आर वन की वैल्यू आपको मिलती है, बट जब आप इसको रिवर्स कर देंगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी। इट मींस मान लो कि कोई दो रेजिस्टेंसेस हैं, वो पैरेलल में कनेक्टेड है, ये मान लो 2 ओम है और ये मान लो 1 ओम है, और इसको मैंने यदि पैरेलल में कनेक्ट किया है तो इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, और जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 2 प्लस 1 मतलब 3/2, यू विल गेट 3/2, 3/2 आपको मिलेगा, लेकिन ये किसकी वैल्यू मिली आपको, 1 अपॉन आर की वैल्यू मिली। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/2, ओके। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये स्टेप करना हम यूजुअली कभी कभी भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, तो ये याद रखना है कि हमें 1 अपॉन आर की वैल्यू मिलती है लेकिन हमें उसे रिवर्स करने पर एक्चुअल आर की वैल्यू मिलेगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बट वोल्टेज जो है वो पैरेलल ब्रांचेस के अक्रॉस सेम रहता है। सपोज एक क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर हम 6 ओम के तीन रेजिस्टेंसेस है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, यदि हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, तीनों की वैल्यू 6 ओम है तो इसको हमने लिख दिया 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 6, तो दिस इज इक्वल टू 3/6, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हम करेंगे 6/3, देन वी विल गेट द 2 ओम्स। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखें हम सीरीज कॉम्बिनेशन का, हमें निकालना है इस ए और बी के बीच कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 20, 15 और 10। अब हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंसेस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यदि हम यहाँ से करंट चलाएं तो ये 20 ओम में जाएगा, फिर उसके बाद ये 15 ओम में जाएगा और उसके बाद सिमिलर करंट 10 ओम में जाएगा, तो इससे भी हम निकाल सकते हैं कि 20, 15 और 10 जो है वो कैसे हैं, सीरीज में है, तो इनका जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट वुड बी 20
15 + 10 which is equal to 45 ohms. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था. हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें. यहाँ पे 4, 5, 20 ये तीन रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है. तो अगेन यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम यह लगाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 20. यहाँ पर मिल जाएगा 5 + 4 + 20 + 1 it is equal to 10/20. तो ये वैल्यू हमें मिली 1/R इक्विवेलेंट की. तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू 20/10. ये कैंसिल हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 2 ohms. तो वॉट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट? इज इक्वल टू 2 ohms. ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं हम. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस एक्स वाई टर्मिनल. तो हम देखिए इसे, जब भी हमें रेजिस्टेंस इस टर्मिनल से देखना है तो वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन फ्रॉम दिस साइड. तो आप देखिए ये 2 और 2 कैसे कनेक्टेड है. ये 2 और 2 आपके पैरेलल में कनेक्टेड है. ओके, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 2 और 2 का पैरेलल 1 ohm होगा. देखिए इसको आप, यदि दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो आप इसका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन लिख सकते हो. R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 × R2 / R1 + R2. ठीक है, तो R1 की और R2 की वैल्यूज क्या है? दोनों की 2 ओम है. तो इट इज इक्वल टू 2 × 2 / 2 + 2. देन इट इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू द 1 ohm. ओके, तो 2 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन आया 1. तो हम इस 2 और 2 को हटा के 1 ohm का एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. यदि हमने यहाँ पर 1 ohm का रेजिस्टेंस लगाया है तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा देखते हैं हम. इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा. इस 2 और 2 को हटा के हमने एक 1 ohm का रेजिस्टेंस लगा दिया. 3 हमारा एज इट इज है, 4 हमारा एज इट इज है. अब हम देख पा रहे हैं कि 3 और 1 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं. तो इसको हटा कर भी हम एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं
विच वुड बी इक्वल टू 4 ओम्स। देखिए फिर सर्किट कैसा बनेगा। इस 3 और 4 को, 3 और 1 को हटा के हमने ये 4 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अब ये 4 और 4 कैसे दिख रहे हैं, ये 4 और 4 आ गए हैं आपके अब पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 2 ओम्स। ठीक है, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम्स। तो इस 4 और 4 को हटा के आप एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे। इसमें एक चीज़ याद रखना, यदि सिमिलर वैल्यू के 2 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनसे जस्ट हाफ हो जाता है। जैसे ये 2 और 2 का पैरेलल कितना था, 1 ओम था, मतलब हाफ हो गया, 2 का हाफ 1। अब यहाँ पे 4 और 4 पैरेलल में है तो 4 का हाफ 2। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है कि यदि 2 सिमिलर वैल्यू के रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जस्ट उसका हाफ हो जाएगा। यदि 3 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है सेम वैल्यू के तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। दिस इज द क्वेश्चन, इसमें एक्स और वाई के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको आप देख के ही समझ पा रहे हो, ये 4 और 4 पैरेलल में है और दोनों ही सिमिलर वैल्यू के हैं। तो इसको हटा के आप एक 2 ओम का, इस पूरे को हटा के आप एक 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे लग जाएगा एक 2 ओम में आ गए, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9। तो इसका आंसर हो गया आपका टोटल 9 ओम्स। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप कैसे करेंगे। इस सर्किट में भी हमको एक्स और वाई के बीच टोटल कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट है निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये 3 और 6 कैसे आपके पैरेलल में है, 1, 2 और 5 पैरेलल में है। इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस और बी और सी, ये तीनों जो है वो सीरीज में होंगे और इन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इस 5 के पैरेलल में होगा। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन यदि हम करें तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बी और सी के बीच का निकालते हैं। तो 3 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 2 ओम्स। अब यदि मैं आर ए बी को देखूं तो आप देखिए आर ए बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो 1, 2 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यदि मैं इसको डायरेक्ट रिवर्स करके लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 5 डिवाइड बाय 1 × 2 + 2 × 5 + 5 × 1। ठीक है, रिवर्स करके डायरेक्ट लिख दिया इसको मैंने, तो ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 हो गया, डिवाइड बाय 2 + 10 + 5। मीन्स इट इज इक्वल टू आया हमारा 10 / 17। ओके, और ये 2 टर्मिनल के बीच का 2 ओम्स है। तो यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम रेजिस्टेंस देखें, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का रेजिस्टेंस 2 + AB कितना है, 10/17 प्लस 2, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस ब्रांच का हो गया 2 + 10/17 + 2। सॉरी फॉर माई बैड राइटिंग बट प्लीज एडजस्ट। तो ये हो जाएगा आपका 4 + 10/17 10/17।
So this would be equal to 4.58 ohms. Okay, तो ये इस पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस आ गया. अब ये 4.58 और 5 कैसे हैं पैरेलल में, तो अगेन आप टोटल जो आर रेजिस्टेंस है एक्स वाई टर्मिनल में वो 4.58 और 5 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा एंड इट वुड बी इक्वल टू 2.39 ohms. Sorry for the bad writing, but 2.39 ohms. I think it is clear to you all. That's all for today's lecture. We will meet in next lecture. Bye bye.